गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो उसके लिए मैं पहले से आपको अवेयर कर दूं और सॉरी भी अगर आपको डिस्टर्बेंस हो। तो हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो कि आपका चैप्टर 6 है, इसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। आज ये लास्ट ही पार्ट होगा, हम इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो पोएंट्स पोएट सेंट्स होते थे, उनके जो डिसाइपल्स, उनके जो फॉलोअर्स होते थे, उनके जो स्टूडेंट्स होते थे और जो उनके डिवोटीज होते थे, जो जो उनको फॉलो करते थे, वो उनकी बातों को रिकॉर्ड करते थे जब उनकी डेथ हो जाती थी उसके बाद। ये ऐसे हमने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर का शुरू हुआ था जिसमें हमने भक्ति के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू किया था। फिर हमने मोजैक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स में देखा था कि शिवा, विष्णु और गॉडेस, जो ये मेजर डेटीज हमें दिखने लगे थे और इनकी काफी सारी फॉर्म्स में विजुअलाइज किया जाने लग गया था। जो गॉडेस होती थी वो मोस्टली वाइफ के तरीके से दिखाई जाती थी, जैसे गॉडेस लक्ष्मी हो गई, पार्वती हो गई, इस तरीके से। और ये हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ट्राइब्स जो बनाती हैं, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, उसका एग्जाम्पल था। जैसे हमने ये जगन्नाथ का एग्जाम्पल लिया था कि इसमें जगन्नाथ जी हैं, उनकी वाई उनकी सॉरी सिस्टर सुभद्रा और उनके जो बड़े भाई बलराम। तो ये वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, ये आज भी वुड का वो वहाँ पे बनाती हैं। विष्णु जी का अवतार माना जाता है इनको। और डिफरेंस एंड कल्ट, इसमें हमने तांत्रिक वर्शिप देखा था कि जो लोग शिव जी को यानी कि शैविज्म फॉलो करते हैं और बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, वो लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी करते हैं। तांत्रिक प्रैक्टिसेस का एक फैक्टर ये था कि ये लोग वेद को सुप्रीम नहीं मानते थे। पहले अग्नि, इंद्र और सोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्रिंसिपल डेटी थे, लेकिन धीरे धीरे ये मार्जिन पे आ गए और विष्णु, शिवा एंड गॉडेस ये इंपॉर्टेंट हो गए और वेद की अथॉरिटी हमेशा रही। लेकिन जो तांत्रिक वर्शिप में मानते थे वो वेद को सुप्रीम नहीं मानते थे। पोएम्स, प्रेयर्स एंड अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, इसमें हमने देखा था कि दो तरीके की भक्ति हमने देखी थी, एक सगुन भक्ति थी और एक निर्गुण भक्ति थी। सगुन भक्ति जैसे कि आप मूर्ति पूजा कह सकते हो, जिसमें आपको एक फॉर्म दिख रही है। निर्गुण भक्ति जिसमें कह रहे हैं कि भगवान हर जगह पे हैं, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान पेड़ में भी हैं, हम में भी हैं, हमारे आसपास हर इंसान, हर एनिमल, हर बर्ड, सब में भगवान है। तो दो तरीके की भक्ति। फिर अल्बर्ट नैयानार, ये तमिलनाडु में थे, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो विष्णु जी की पूजा करते थे उनको अल्बर्स कहा जाता था और जो शिव जी की करते थे उनको नयनार्स। तो इस तरीके से इसमें हमने कुछ वुमेन के एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि वुमेन डिवोटीज भी थी शिव जी और विष्णु जी की, जो फॉलो कर रही थी उनको। इसके बाद हमने तमिलनाडु से हम आगे बढ़े थे कर्नाटक की तरफ, और वहां पे हमने लिंगायत्स का देखा था, वीर शैवा का, कि जो अपने फॉलोअर्स हैं वो एक लिंग को वेयर करते हैं और अपने शोल्डर पे, यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ ये रहा, लिंग मैन यूजुअली वेयर स्मॉल लिंग, जो कि एक सिल्वर केस, एक चांदी के डब्बे में एक छोटा सा लिंग होता है और वो अपनी लेफ्ट आर्म पे उसको पहनते हैं। अब लिंगायत्स में था कि ये लोग बर्न नहीं करते थे डेड बॉडी को, ये उनको बरी करते थे। तो इनका जो प्रैक्टिस थी वो धर्मशास्त्र, जो कि धर्मशास्त्र में चैप्टर 4 में भी जो महाभारत वाला चैप्टर था डिस्कस किया था कि सारे रूल्स और नॉर्म्स धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र से निकल रहे हैं, लेकिन ये लोग उन धर्मशास्त्र धर्म सूत्र को नहीं मान रहे थे। अभी हमने साउथ इंडिया की बात की थी, इसमें हमने तमिलनाडु और हमने कर्नाटक की बात की। अब हम नॉर्थ पे पहुंचे हैं, नॉर्थ इंडिया में उस वक्त राजपूत रूल कर रहे थे, तो उस वक्त ब्राह्मण्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन थी नॉर्थ में, और नए नए जो अथॉरिटी ऑफ वेद हमेशा वहां पे थी। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि 13th सेंचुरी के अराउंड दिल्ली सल्तनत आई, तो जो भी लोग बाहर से आ रहे थे जो संस्कृत नहीं बोलते थे,
जो वहां जहां से भी लोग आ रहे थे उनको उस जगह के हिसाब से बुलाया जाता था। तब इस्लाम वर्ड नहीं था, मुसलमान नहीं बोला जाता था उनको। जो तुर्किस्तान से आ रहा है उसको तुर्क बोल दिया, पर्शिया से आ रहा है, जिस जगह से वो आ रहा है उसको उस जगह के नाम के हिसाब से बुलाया जाता था। तब मुसलमान कोई वर्ड नहीं होता था, या इस्लाम जो फॉलो कर रहे हैं ऐसे करके कोई एक वर्ड नहीं था। ये हमने पूरा भक्ति का पढ़ा था। अब हम इस्लामिक ट्रेडिशन पे पढ़ने लगे थे कि जो रूलर्स जो इस्लाम को फॉलो करते थे, वो हमने पढ़ा था कि 1711 में जो अरब जनरल मोहम्मद कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया, जो कि कैलिफ डोमेन का पार्ट बन गया, और धीरे धीरे तुर्क आए, अफगान आए, हमने देखा मुगल एम्पायर तक आते आते इस्लाम काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका था। वो जो इस्लामिक लॉ है वो शरिया के हिसाब से चलता है, शरिया में रूल्स लिखे हैं, और उल्मा वो होते हैं जो उन रूल्स को गाइड करते हैं, जिन्होंने वो रूल्स पढ़े होते हैं और वो बताते हैं। और रिलीजन में फॉर इंस्टेंस आपको एक टैक्स देना पड़ता था, जो भी हिंदू जैन जो भी उस जगह पे नॉन मुस्लिम लोग होते थे उनको एक टैक्स देना पड़ता था। कुछ रूलर्स ने उन टैक्स को माफ भी किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये टैक्सेस देने पड़ते थे अपने रिलीजन के लिए, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे। इस्लाम की पॉपुलर प्रैक्टिसेस में हमने 5 पिलर्स डिस्कस किए थे, कि पहला तो था कि दैट देयर इज वन गॉड अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं, ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स जो कि नमाज कही जाती है आपको 5 बार पढ़नी है, गिविंग अल्म्स, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, और आपको पिलग्रिमेज जो कि एक तरीके से आपको यात्रा करनी होगी मक्का हज, जो कि उनकी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो ये 5 पिलर्स हमने डिस्कस किए थे, और इसमें हमने कहा था कि जो इस्लाम के जो अलग अलग एरियाज में उन एरियाज का डिफरेंस भी हमें दिखता है, जैसे कि मॉस्क के बारे में हमने देखा, मस्जिद जो होती है उसमें कुछ मेन चीजें होती हैं, जैसे प्लेसमेंट ऑफ मेहराब वो, और ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मेका, मिनबार, ये कुछ चीजें आपको हर मस्जिद में कॉमन दिखेंगी, लेकिन एरिया के हिसाब से कुछ चेंजेस जो आप कह सकते हो कि वेरिएशंस एरिया के हिसाब से भी होते हैं। तो अलग अलग कम्युनिटीज, जैसे मैंने आपको एक बात पहले ही बता दी थी कि हिंदू और मुस्लिम हम ये बहुत आराम से लेबल कर देते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ये टर्म्स नहीं यूज की जाती थी। तुर्किश रूलर्स तुर्काशा, तजीका पीपल जो तजिकिस्तान से आते थे, परिश्का जो कि पर्शिया से आते थे, तो जिस जगह से जो आता था उसको वहां के हिसाब से बुलाया जाता था। लेकिन ये सब लोग जहाँ से आ रहे थे वहाँ ये लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, ना ही ये धर्म शास्त्र धर्म सूत्र को फॉलो करते थे। तो इन लोगों को हमारे यहाँ पे मिलीचा बुलाया जाता था, क्योंकि ये लोग वो थे जो हमारे रूल्स और हमारी कम्युनिटी के हिसाब से नहीं कास्ट सिस्टम फॉलो करते थे, ना ही ये लोग संस्कृत बोला करते थे। धीरे धीरे हमने देखा कि सूफिज्म बढ़ा। सूफिज्म में जो लोग सूफी होते हैं वो लोग कुरान को अपने एक्सपीरियंसेस और अपने उसके हिसाब से कुरान को इंटरप्रेट करते हैं बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो लोग पहले क्रिटिकल होते हैं वो एग्जैक्ट डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड जो कुरान में लिखा है वो एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड जाते हैं, लेकिन जो सूफीज होते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुरान को समझते हैं। इसमें हमने खान कहा और सिलसिला पढ़ा था खान का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मैं आपको फिर से अंडरलाइन करा देती हूँ, अगर आपने नहीं की तो आप कर लो अभी याद से। एक तो है खानकाह, ये पर्शियन, एक येलो कर लेती हूँ, बहुत डार्क है ये जो जगह है उसको हॉस्पाइस या फिर खानकाह कहा जाता है। ये एक टीचर कंट्रोल करता था जिसका नाम होता था शेख। शेख एक अरब वर्ड है, इनको आप पीर भी कह सकते हो, मुर्शिद भी कह सकते हो। जो मुर्शिद या पीर को फॉलो करते थे उनके स्टूडेंट थे एक तरीके से आप कह सकते हो, उनको मुरीद कह दिया कि मैं तुम्हारा मुरीद हो गया, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हो गया। और मुर्शिद के बाद इनकी भी तो डेथ होगी, तो इनके बाद जो सक्सेसर बनेगा उस सक्सेसर को कहा जाता था खलीफा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट है और ये जो सक्सेसर बनेगा वो खलीफा। इनके अपने रूल्स होते थे और हिसाब से कंडक्ट वो रूल्स कंडक्ट किए जाते थे। सिलसिला एक टर्म थी जिसका मतलब होता है चेन, और माना जाता था कि प्रॉफिट मोहम्मद और जो सूफी सेंट है उनके बीच में एक चेन है, और उन्हीं के थ्रू वो चेन आगे उनके डिवोटीज की तरफ भी जा रही है, ब्लेसिंग्स जो पीपल को मिलती हैं।
फिर हमने आउटसाइड द खानकाह, पूरा वो एरिया है और कलंदर और अलग अलग डिफरेंट नेम्स से उनको बुलाया जाता था, वो भी हमने देखा था। लाइफ ऑफ अ चिश्ती खानकाह, वो जो एरिया था वहां पे बड़ा हॉल होता था, शेख एक रूफ के ऊपर एक कमरे में रहता था, ये सब हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। ये पांच मेजर सूफी सेंट्स हैं, इनके आप नाम याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू के तौर से भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर ओपन किचन थी, इसमें हमने देखा कि आगे जाके काफी सारे रूलर्स, पावरफुल लोग भी चिश्तीस के पास आया करते थे, तो सुल्तान वगैरह उन्होंने टोम और अलग अलग डोनेशंस दिया करते थे। मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाया गया विद इन द कंपाउंड ऑफ दरगाह, ये भी अलग अलग रूलर्स, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जहांगीर अजमेर आए, ये जिस भी आर्टिस्ट ने बनाई होगी, यहाँ पे लिखा है उसका नाम भी, बट बेसिकली आप देख सकते हो कि एम्परर्स और सुल्तान्स वो लोग भी दरगाह आया करते थे, शेख से मिलने या चिश्ती से मिलने वो आया करते थे। तो ऐसे करके पावरफुल लोग भी पिलग्रिम किया करते थे टूवर्ड्स दरगाह। अकबर तो बहुत बार गए थे और इसके रिकॉर्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, चिश्ती सिलसिला जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज होती थी उसमें कन्वर्स किया करते थे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो है सूफी जैसे बाबा फरीद, इन्होंने कंपोज की वर्सेस लोकल लैंग्वेज, आपको मोस्टली दिखेगा लोकल लैंग्वेज में वर्सेस कंपोज किए जाते थे ताकि आम लोगों को समझ आए, और वही वर्सेस आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी कंपाइल्ड मिलते हैं, ठीक है। और अलग अलग स्टोरीज आपको, अलग अलग कंबाइंड चीजें आपको इनमें मिलेंगी, लेकिन ये मोस्टली लोकल भाषा में लिखी जाती थी। यहाँ तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, अब मैं आपको सूफीज एंड स्टेट, इसके हम यहाँ से अब डिस्कस करना शुरू करेंगे। जो चिश्ती ट्रेडिशन था उसमें एक चीज जो वो फॉलो करते थे वो थी कि जो दुनिया है, दुनिया गोल बना देते हैं, दुनिया से ना थोड़ा सा दूरी रखते थे और भगवान से थोड़ा नजदीकी रखते थे। वाह 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 वाह। तो मतलब चिश्ती जो सूफीज होते थे वो थोड़ा सा डिस्टेंस रखते थे दुनिया से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पॉलिटिकल पावर या वो दीन दुनिया के बारे में कुछ जानते नहीं थे। वो थोड़े दूर रहते थे क्योंकि वो चीज़ उनको सही लगती थी, और उनके ट्रेडिशन के सूफी जो सेंट्स हैं उनका मेन पर्पस होता था कि वो भगवान से जुड़े, तो इसलिए वो थोड़ी सी दूरी रखते थे, लेकिन पॉलिटिकल पावर में वो आइसोलेटेड नहीं थे, इनके पास पावर भी होती थी। सुल्तान और एम्परर जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो लोग भी इनके पास आते थे, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास पावर है, इनको काफी सारे अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स और डोनेशंस मिलते थे, जैसे कि रिकॉर्ड्स में हमें दिखा कि दरगाह बनवा दी, या फिर सॉरी दरगाह में एक मॉस्क बनवा दी, या फिर टोम डोनेट कर दिया, अलग अलग चीजें डोनेट कर दी जाती थी, तो ऐसे करके। और इनके यहाँ ट्रैवल करने पे टैक्स, एंडोमेंट, हॉस्पाइस को, जो वो एरिया है जहाँ पे ये सूफी रह रहे हैं, वहाँ पे उनको टैक्स फ्री लैंड दे दिया, तो इनको वो डोनेशंस देते थे। और ये डोनेशंस हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि ये डोनेशंस को रिकॉर्ड किया गया था, कैश और काइंड दोनों तरीके के डोनेशंस वो लिया करते थे जो सूफीज होते थे, क्योंकि उनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होती थी। जैसे हमने देखा था कि लंगर चलता रहता है, लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो खाना, कपड़े, लिविंग क्वार्टर्स में लोग रहते हैं, अलग अलग रिचुअल्स भी वो परफॉर्म करते हैं, तो इन सब के लिए भी डोनेशंस उनको मिला करते थे। मॉरल अथॉरिटी ऑफ द शेख, इन सब चीजों से जब आपके पास ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो आपके पास पावर भी आ जाती है, तो वही चीज हो रही थी कि धीरे धीरे जो अथॉरिटी थी शेख की वो भी बढ़ रही थी, और काफी सारे अलग अलग लोग जो अमीर गरीब अलग अलग धर्मों के लोग भी शेख की तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो किंग्स डू नॉट सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद सूफीज, वो ऐसे ही नहीं कह सकते थे कि वो इस सूफी से जुड़े हुए हैं, उनको लेजिटिमेट फ्रॉम देम, जब तक सूफी नहीं कहता कि ये मेरे से जुड़े हैं तब तक कोई राजा नहीं कह सकता कि ये सूफी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसमें एक एग्जाम्पल आता है,
कि जब तुर्क्स ने दिल्ली सल्तनत सेटअप किया, सो दे रेजिस्टेड द इंसिस्टेंस ऑफ उलमा। उलमा क्या है? वो स्कॉलर्स होते हैं जिनको शरिया की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो इम्पोजिंग शरिया एज अ स्टेट लॉ, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसीलिए द सुल्तान देन सॉट आउट द सूफीज जो कि डायरेक्ट अथॉरिटी फ्रॉम द गॉड। ये जो उलमा है इनकी अथॉरिटी कहाँ से आ रही है? इनकी अथॉरिटी शरिया से आती है, लेकिन सूफीज की अथॉरिटी कहाँ से आ रही है? वो गॉड से आ रही है। तो दिल्ली सल्तनत में जब तुर्क्स थे, तुर्क्स को पता था कि यहाँ पे मेजॉरिटी इस्लाम फॉलो नहीं करते, मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम है, इसीलिए वो शरिया रूल नहीं लाना चाहते थे। तो उन्होंने तब सूफीज की तरफ स्विच किया कि आप, क्योंकि वो अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते हैं शरिया को। हमने शुरू में ही देख लिया था कि डिफरेंस बिटवीन, जब नॉर्मल आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो वो बहुत डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड करते हैं, लेकिन जो सूफीज होते हैं वो डेफिनेशन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इंटरप्रेट करते हैं। तो इसीलिए तुर्क्स उनकी तरफ स्विच हो गए। अब ओलिया कुड इंटरसीड विद गॉड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो माना जाता था कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गॉड के साथ, या कभी कभी उनको गॉड ही मान लिया जाता था। और तभी दिखता है कि किंग्स ने भी उनके टोम, क्योंकि उनकी डेथ के बाद उनको दफनाया जाता है जैसे कि उनके धर्म में माना जाता है, तो उनके टोम भी किंग्स ने बनवाए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा कि सूफी और जो एम्परर या सुल्तान है उनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस रहे। कभी कभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाया करती थी, क्योंकि इनके पास भी पावर है और इनके पास भी पावर है। इनके पास पब्लिक का सपोर्ट ज़्यादा है, इनके पास मनी और पावर ज़्यादा है। तो क्या होता था कि दोनों अपनी अथॉरिटी, टू एग्जर्ट देयर अथॉरिटी, कभी कभी इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाती थी। दोनों एक्सपेक्ट करते थे कि जब राजा एक्सपेक्ट करता था कि उनसे कोई मिले तो उनके सामने झुके, उनके हाथ को किस करे, उनके फीट को किस करे, और सूफी भी यही एक्सपेक्ट करते थे कि उनके सामने नतमस्तक हो, उनके सामने झुको, उनके फीट को किस करो। तो अब सोचो, जब सूफी और सुल्तान दोनों मिलेंगे तो कौन किसके सामने झुकेगा और कौन किसके फीट को किस करेगा, क्योंकि दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम मेरे फीट को किस करो, और सुल्तान कह रहे तुम मेरे फीट को किस करो। तो ऐसे करके ना कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाती थी कभी। और सूफीज अपने आप को हाई साउंडिंग टाइटल्स भी दे देते थे एड्रेस करने के, जैसे डिसाइपल्स ऑफ निजामुद्दीन औलिया एड्रेस्ड हिम एज सुल्तान उल मक्शीक, लिटरली मीनिंग सुल्तान अमंग्स शेख्स। तो ऐसे करके टाइटल देख रहे हो आप कि आपको किंग या फिर जो एम्परर होते हैं उनमें, और कहीं कहीं पे जो सूफीज हैं उनके बीच में थोड़ा सा आपको ना कॉमन दिखेगा। ठीक है, सूफी थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट पड़ जाता है, लेकिन उनके पास भी एक पावर है, उनके पास भी एक अथॉरिटी है, वो भी अपने आप को टाइटल्स दे रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि स्टेट और सूफीज में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाता था, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि हमें ग्रीट किया जाए, तो किंग झुकेगा ना सूफी झुकेगा, तो एंड में क्या हो जाएगा? अपुन झुकेगा नहीं और फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो न्यू डिवोशनल पाथ, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। अब हम नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें आप देखोगे वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक। अब हम कबीर की बात करेंगे तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 14th और 15th सेंचुरी, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ पोएट्स। कबीर के दोहे तो हम सबने शायद कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कबीर के दोहे ना पढ़े हों। हिस्टोरियंस ने कोशिश की है समझने की कि कबीर की एक्चुअल में जर्नी क्या थी, या उनकी जिंदगी क्या, मतलब उनकी लाइफ रही, तो उनकी लाइफ को समझने की कोशिश की गई है, लेकिन हमें काफी सारे आज भी कंफ्यूजन है। जो कबीर ने वर्सेस लिखे उनको तीन ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस, मतलब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कबीर कौन से धर्म को फॉलो कर रहे थे और उनकी लाइफ कैसी थी, तो वो थोड़ा सा आज भी कंफ्यूजिंग है। कबीर बीजक जो है ये कबीर पंथ में प्रिजर्व्ड है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखिएगा।
और ये वाराणसी में है, और बाकी उत्तर प्रदेश और कबीर ग्रंथावली दूध दादू पंत इन राजस्थान, और मेनी ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कबीर बीजक कहाँ पे प्रिजर्व्ड है, कबीर पंथ में, द पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर वाराणसी में, एल्सवेयर उत्तर प्रदेश में ये जो है, और कबीर ग्रंथावली एसोसिएटेड विद दादू पंथ ये राजस्थान में, और मेनी ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस आदि ग्रंथ साहिब में भी प्रिजर्व की गई हैं। किसकी बात चल रही है? कबीर जी की बात चल रही है। जो ये सारी की सारी बातें हैं, ये काफी पहले कंपाइलेशन हुआ था, मतलब इन सब का कंपाइलेशन काफी बाद में हुआ, कबीर जी की डेथ के बाद। देखो 14th और 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड था माना जाता है, और ये कंपाइलेशन हो रहा है, ऑल दीज मैनुस्क्रिप्ट्स कंपाइलेशन वर मेड लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर। तो अब सर्कुलेशन प्रिंट इन रीजन्स बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब वर्सेस वहाँ पे सर्कुलेट हुए। अलग अलग भाषाओं में आपको कबीर जी की पोएम्स मिलेंगी लैंग्वेज में, और कंपोज इन सेवरल लैंग्वेजेस ऑफ निर्गुण पोएट्स। निर्गुणा मतलब वो किसी रूप में बिलीव नहीं करते थे, निर्गुण भक्ति मतलब जिसमें कोई भगवान हर चीज में बिलोंग करते हैं, आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म सगुण भक्ति नहीं कर रहे, आप निर्गुण भक्ति कर रहे हो, निर्गुणा पोएट्स की उसमें आपको मिले हैं। उल्टा बंसी, अपसाइड डाउन सेंस, ये भी आपको, इन विच एवरीडे मीनिंग्स आर इन्वर्टेड, तो उल्टा करके कुछ ऑपोजिट करके मीनिंग्स देके भी आपको कबीर की कॉम्पोजिशंस मिलेंगी। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ये बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि एक एक्सप्रेशन, एक एग्जाम्पल के तौर से आप देखो कि अ लोटस जो कि खिल रहा है बिना, विदाउट फ्लावर, तो ये कितना, मतलब लोटस कैसे खिल रहा है और वो भी विदाउट फ्लावर, ये कैसा एक्सप्रेशन है? तो ये थोड़ा सा रिवर्स, जिसे आप कह सकते हो उल्टा बंसी है, उल्टी बंसी बजाना, उल्टी बंसी है, उल्टी बात करते हैं। फायर रेंजिंग इन द ओशन, अब ओशन में तो पानी होता है और वहां से फायर रेंज हो रही है, तो ये उनका एक मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस थे, उस हिसाब से वो इसको कंपोज किया करते थे। अल्टीमेट रियलिटी को अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक्सप्रेस किया है, उन्होंने अपनी अल्टीमेट रियलिटी को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर ये कहा है, और उनकी जो टर्म्स हैं वो वैदिक ट्रेडिशन, अलख, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, ब्राह्मण, आत्मन, अदर टर्म्स जो मिस्टिकल कॉन्वेंशन में, शब्द, साउंड, शून्य, शून्य मतलब जीरो, एम्प्टीनेस, ये योगिक ट्रेडिशन से निकले। तो अब देखो आप कहीं पे वो अल्लाह की बात कर रहे हैं, कहीं पे ब्राह्मण्स की बात हो रही है, कहीं पे आप योगिक ट्रेडिशन की बात कर रहे हो, तो और अलग अलग लैंग्वेजेस में उनकी कॉम्पोजिशंस हमें देखने को मिल रही हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ये अराइज होता है, आर एक्सप्रेस्ड, तो ये जो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये उनकी पोएम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। कुछ पोएम्स आपको इस्लामिक आइडिया से मिलेंगी, यूज मोनोथिज्म एंड आइकोनिज्म टू अटैक हिंदू पॉलिथिज्म, कि मुस्लिम में क्या है, एक ही गॉड है, लेकिन हिंदुइज्म में क्या है, मल्टीपल गॉड है, तो कहीं कहीं पे आपको वो चीज अटैक होती भी दिखती है, आइडियल वर्शिप। अदर सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र या इश्क, जो हिंदू प्रैक्टिस है, नाम सिर्फ नाम, रिमेम्बरिंग गॉड्स नेम, आपको कहीं कहीं पे वो दिखेगी, तो वर ऑल कंपोज बाय कबीर। ये बात हमें कभी भी सर्टेनली, हम श्योरली नहीं कह सकते कि क्या ये सब कुछ जो आज कबीर के नाम पे कंपाइल हो रखा है, ये सच में कबीर ने ही कंपोज किया था। तो क्वेश्चन आता है कि इंस्पिरेशन, जो कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, काफी सारे आइडियाज अलग अलग आपको कबीर की कॉम्पोजिशन में दिखते हैं, कहीं पे वो किसी रिलीजन को प्रेस कर रहे हैं, कहीं पे वो किसी और रिलीजन को प्रेस कर रहे हैं, तो उनके जो आइडियाज हैं वो डायलॉग्स और डिबेट्स की फॉर्म में भी आपको दिखेंगे, विद द ट्रेडिशन ऑफ सूफी एंड योगीज इन द रीजन ऑफ अवध।
हु रिमेम्बर्स देम एंड कंटिन्यू टू सो. आज भी उनके ग्रुप्स में उस चीज की डायलॉग्स होते हैं जो कभी कॉम्पोजिशंस थी, और उनमें आज भी डिबेट्स होती हैं. अब सबसे बड़ा डिबेट जो होती है वो ये होती है कि क्या कबीर हिंदू थे या मुस्लिम थे बाय बर्थ. ये डिबेट बहुत सारी कॉम्पोजिशंस जो हमें सेंचुरीज में, ओवर 200 ईयर्स आफ्टर द कबीर, जो पूरी की पूरी लाइफ टाइम में हमें जितनी भी कॉम्पोजिशंस मिलती हैं, हेजियोग्राफीज विद इन द वैष्णव ट्रेडिशन जो कि विष्णु जी को मानते हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि कबीर हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए थे और उनका नाम था कबीर दास. कबीर दास एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट, बट वो पैदा हिंदू फैमिली में हुए थे लेकिन उनको पाला पोसा एक मुस्लिम फैमिली ने था जो कि एक वीवर कम्युनिटी थी जुलाहस, जो कि पहले वो भी हिंदू थे लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो गए थे, इस्लाम को फॉलो किया था उसने उन्होंने. तो ही वॉज इनिशिएटेड इंटू भक्ति, और उनके जो गुरु माने जाते हैं कबीर जी के, माना जाता है कि रामानंद उनके गुरु थे जिन्होंने उनको भक्ति, निर्गुण भक्ति और ये सब जो ज्ञान था उसमें उनको इनिशिएट किया. कबीर एक वर्ड यूज करते हैं गुरु और सतगुरु, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक नेम को मेंशन नहीं करते. तो ये बहुत डिफिकल्ट है इस्टेब्लिश करना रामानंदा और कबीर के बीच में कि वो दोनों एक ही टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट किए होंगे, क्योंकि इम्प्रोबेबली लॉन्ग लाइफ्स ऑफ आइदर बोथ ऑफ देम, कि उन दोनों की लाइफ एक की, एटलीस्ट रामानंद और कबीर में से किसी एक की जिंदगी तो काफी लंबी होगी. तो लेकिन हम आज भी एग्जैक्ट ये नहीं डिसाइड कर सकते, तो हिस्टोरियंस के लिए आज भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो ये पूरा हमने कबीर जी के बारे में जाना. अब बाबा गुरु नानक एंड द सीक्रेट वर्ड, अब हम इनके बारे में जानेंगे एंड शायद ये इस चैप्टर का एंड ही है. बाबा गुरु नानक की थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान लेते हैं या उनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं. जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो सुन लीजिए. बाबा गुरु नानक टाइम पीरियड 1469 से 1539, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट अगर याद कर सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा. ये एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में बिलोंग पैदा हुए थे. कौन सी विलेज में पैदा हुए थे? ननकापुर साहिब. कौन सी रिवर के पास था? ये रिवर गंगा. लेकिन ये जो एरिया में पैदा हुए थे वो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पंजाब, आ इन द प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पंजाब में ये पैदा हुए. ये इन्होंने ट्रेनिंग ली अकाउंटेंट की, पर्शियन स्टडी की. पर्शियन शायद वहां पर उस वक्त लोकल भाषा ज्यादा चलती होगी, या उन्होंने पर्शियन में स्टडी की. इनकी काफी यंग एज में शादी हो गई, और बट फिर भी ये काफी वक्त सूफीज और भक्तास के साथ स्पेंड करते थे, काफी ज्यादा ट्रैवल करते थे. जो बाबा गुरु नानक अपने मैसेजेस थे वो अपनी हाइंस और टीचिंग्स मैसेजेस दिया करते थे, और वे ये सजेस्ट करते थे निर्गुण भक्ति की. भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निर्गुण है, भगवान हर चीज में है. और उन्होंने सैक्रिफाइसेस जैसे बकरा काट देना या मतलब बलि दे देना, उन्होंने सैक्रिफाइस करना किसी भी जानवर का सैक्रिफाइस, उन्होंने ये रिजेक्ट किया. रिचुअल बाथ, मूर्ति पूजा, ऑस्किटिसीज, ऑस्टेस्टीज एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, उन्होंने इन सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया. फॉर बाबा गुरु नानक एब्सोल्यूट और रब, मतलब एक रब ही है और रब का कोई जेंडर नहीं है. देख रहे हो, अब यहाँ पे जेंडर बायसनेस की बात नहीं हो रही है, फीमेल और मेल दोनों बराबर है. रब ना ही लड़का है, मेल है, और ना ही फीमेल है. रब का कोई जेंडर नहीं है, हैड नो जेंडर. उन्होंने सिंपल वे एक प्रपोज किया कि आप अपने डिवाइन, अपने रब से कैसे कनेक्ट कर सकते हो. आप उनको याद करो, उनका नाम रिपीट करो जो कि शब्द कहा जाता है पंजाबी में, और उस वहां की जो रीजनल लैंग्वेज में. उन्होंने कहा यही एक तरीका है जिससे आप अपने डिवाइन, अपने रब से जुड़ सकते हो. बाबा गुरु नानक कॉम्पोजिशंस गाया करते थे, वेरियस राग गाया करते थे. वाइल्ड हिज अटेंडेंट मर्दाना प्लेड द रबब,
तो उनके जो अटेंडेंट थे वो प्ले किया करते थे और बाबा गुरु नानक गाया करते थे। बाबा गुरु नानक ने एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर ली और उन्होंने सेटअप किया रूल ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, संगत, इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसिटेशन। हम रब का नाम कलेक्टिवली, एक साथ हम लोग रब का नाम लेंगे, ठीक है, किसका? एब्सोल्यूट, जो रब है, जिसका कोई जेंडर नहीं है उसका। ये अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिप्लिन। उनके जो स्टूडेंट थे जिनका नाम था अंगद, जो कि आगे जाके गुरु बनेंगे, उनके सक्सेसर उनको अपॉइंट किया एज अ प्रिसेप्टर गुरु, कि गुरु नानक देव जी के बाद ये उनके गुरु बनेंगे। तो गुरु नानक देव जी को ऑल्दो ये कोई आइडिया नहीं था कि वो एक नया रिलीजन बनाएंगे, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी सारी प्रैक्टिसेस को कंसोलिडेट किया और हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों से अलग एक नया रिलीजन बनाया, और जिसका नाम बाद में खालसा, अब आपको आगे पता चलेगा। गुरु अर्जुन ने कंपाइल किया गुरु नानक की सारे के सारे हाइम्स को, और उनसे पहले के जो चार सक्सेसर्स थे, बाबा फरीद, रविदास जिनको हम रायदास के नाम से भी जानते हैं, कबीर, और आदि ग्रंथ साहिब में आपको भी, जब हमने कबीर के बारे में पढ़ा तब भी हमने देखा था कि आदि ग्रंथ साहिब में इनकी कॉम्पोजिशंस हैं। तो इनके अलावा बाबा फरीद और रायदास जिनको रविदास भी कहा जाता है, इनकी कॉम्पोजिशंस और गुरु नानक देव जी की कॉम्पोजिशंस आपको आदि ग्रंथ साहिब में मिलेंगी, और इनको गुरबानी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इन हाइम्स को कंपोज्ड इन वेरियस अलग अलग लैंग्वेजेस में 17th सेंचुरी में 10th प्रेडेसर्स थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने सारे के सारे 9th गुरु तक के चीजों को कंपाइल किया, जिनमें गुरु तेग बहादुर एंड दिस स्क्रिप्चर वॉज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोबिंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। जब औरंगजेब बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था, तब उन्होंने एक आर्मी, कि हमारी खालसा आर्मी है जो सबको प्रोटेक्ट करेगी, उन्होंने वो शुरू की थी। इवन अगर आप गुरु गोबिंद सिंह की कहानी जानो, तो उनके बच्चों को दीवारों में डाल दिया, चुनवा दिया गया था उनके साथ, पर फिर भी वो अपनी खालसा जो आर्मी थी वो अपना लड़ते रहे गुरु गोबिंद सिंह, और उन्होंने ये खालसा पंथ आर्मी ऑफ प्योर की फाउंडेशन रखी थी। 5 सिंबल्स कहे जाते हैं, अनकट हेयर, आप अपने बाल नहीं काटोगे, आपके पास हमेशा एक डैगर, कृपाण, छोटी सी एक डैगर होगी, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कोम एंड अ स्टील बैंगल, जिसको कड़ा कहा जाता है। ये 5 सिंबल्स हैं जिसको आप कह सकते हो कि उन्होंने उस वक्त इनकी फाउंडेशन रखी थी। अंडर हेम अ सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स, इन सबको उन्होंने कंसोलिडेट किया। तो अब गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे कंपोजिशन को कंपाइल किया 9th गुरु तक, और गुरु ग्रंथ साहिब में सबकी कॉम्पोजिशन हैं, ये कैसे फाउंडेशन ले हुई, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। मीराबाई अ डिवोटी प्रिंसेस, तो 15th से 16th सेंचुरी के बीच में एक वुमेन पोएट, जो कि हम सबको शायद पता ही है कि जो कृष्ण जी को फॉलो करती थी, मीराबाई, ये एक वुमेन पोएट थी जो कि भक्ति ट्रेडिशन फॉलो करती थी। इनकी बायोग्राफीज हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड, जो वो भजन गाती थी उनसे हमें पता चला है। पहले ये ओरल थी बहुत टाइम तक, फिर बाद में हम ये कंपोज की और रिटन भी। तो इनके बारे में अगर थोड़ा सा लाइफ के बारे में जाने, तो मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी फ्रॉम मेरता, जो कि मेरवार में है। वो एक उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको उनकी शादी कर दी गई थी एक सिसोदिया क्लैन के प्रिंस से, जो कि राजस्थान की एरिया की बात चल रही है ये। शी डिफाइंड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, एंड उन्होंने जो ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ है या एक मदर है, उन्होंने उसको नहीं फॉलो किया। इंस्टेड वो बस कृष्ण जी और उनकी भक्ति में थी। अवतार ऑफ विष्णु, जिनको कृष्ण जी को माना जाता है, वो उनकी लवर के तौर से अपने आप को देखती थी। उनके इन लॉज ने, माना जाता है, उनको जहर देने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो महल से भाग गई और वो एक सेंट की तरह एक जगह से दूसरी जगह बस अपना जो इमोशन, अपना लव था, वो सॉन्ग भक्ति के कृष्ण जी के लिए गाती रहती थी। कुछ ट्रेडिशंस ये भी मानते हैं कि उनके जो गुरु थे वो रायदास थे, जो कि एक लेदर वर्कर थे। तो
तो ये भी इंडिकेट करता है कि वो जो सोसाइटी सिस्टम है कि क्षत्रिय अपर कास्ट लोअर कास्ट वो उस चीज को भी डिफाई कर रही थी। और उन्होंने जो पैलेस में अपने हस्बैंड के इतने कंफर्ट से उन सबको छोड़ दिया और उन्होंने एक ऑरेंज या फिर व्हाइट कलर का एक रोब सी पहन ली थी जिन्होंने उन्होंने पूरी दुनिया को रिनाउंस उन्होंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया था। तो ऑल्दो मीराबाई के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हमें नहीं दिखते कि उन्होंने किसी ग्रुप को अट्रैक्ट किया हो, लेकिन उनके जो सॉन्ग्स थे वो वुमेन और मेन आज भी गाते हैं और पुअर जो कि लो कास्ट है गुजरात और राजस्थान की फैमिलीज में ये गाया जाता था फॉर सेंचुरीज। जो भी उन्होंने भक्ति सॉन्ग गाए, भक्ति जो उनके भजन जो वो कृष्ण जी के लिए गाया करती थी वो गाए जाते थे घरों में बहुत उनके उन भजन के लिखने के ना जाने कितने साल बाद भी वो गाए जाते थे नॉर्मल घरों में। तो जो ये रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस को काफ़ी अलग अलग चीज़ें समझनी पड़ती हैं, काफ़ी सारे सोर्सेज जो रिलीजियस ट्रेडिशंस के हैं जैसे कि स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर स्टोरीज, रिलीजियस गुरुज की कॉम्पोजिशंस, मेन और वुमेन की अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन, ये सब चीज़ों को समझना पड़ता है और उसके बाद जाके उनको ये सब चीज़ें वो कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं हिस्ट्री को। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से आपको ये सोर्सेज मिलेंगे। डायरेक्ट लैंग्वेजेस ऑफ वचनास जो कि बसवना ने लिखा, जो कि फरमान ऑफ जैसे फरमान ऑफ मुगल एम्परर, हर टेक्स्ट को समझने के लिए आपको एक अलग स्किल चाहिए और उस भाषा की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पर्शियन हो संस्कृत हो, आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए और उस लैंग्वेज को आपको समझ आना चाहिए, तभी आप उसे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे हिस्टोरियंस की वो क्या लिखा जा रहा है। तो आज हमने भक्ति और भक्ति पढ़ लिया था पहले ही, अब हमने सूफी ट्रेडिशन पढ़ा, फिर हमने कबीर जी के बारे में जाना, फिर हमने गुरु नानक देव जी के बारे में समझा, उसके बाद हमने मीराबाई के बारे में जाना और हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में कैसे सब चीज़ें वर्क कर रही थी। तो ये चैप्टर भक्ति सूफी है लेकिन इसमें काफ़ी सारे आपको पार्ट्स तमिलनाडु में अलवर नयनार दिख रहे थे, कर्नाटका में आपको वीर शैवा जो कि लिंगायत सॉरी वीर शैवा कह लिंगायत दिख रहे थे, तो आपको अलग अलग फॉर्म्स दिख रही थी हर जगह पे। नॉर्थ में जब ब्राह्मण्स का कंट्रोल चल रहा था तो वहाँ पे साउथ में एक भक्ति मूवमेंट चल रही थी और हर चीज़ के जो भी लोग डोनेशंस दिया करते थे उनके भी हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं और जो पोएट सेंट्स होते थे उनकी बातें तब शायद ओरल होती थी लेकिन बाद में उन्हें रिकॉर्ड करा जाता था। तो ये था पूरा चैप्टर भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो या वीडियो को लाइक करते हो। तो कोई भी अगर डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर कुछ भी ना समझ आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार वीडियो दोबारा से देखो, ताकि मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। तो ये था आपका चैप्टर भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन, मिलूंगी मैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड प्लीज अगर नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में।